हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी अभिषेक सानी और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। आपने काफी लोगों को सुना होगा कि भाई पासपोर्ट इतने टाइप के होते हैं, या फिर कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो पासपोर्ट तीन टाइप्स के होते हैं और तीनों का कलर अलग अलग होता है। पहला जो समझ लो कि एक हमारा जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है वो नेवी ब्लू होता है, जो जनरली सबका बनता है। तो पहले मैं आपको कलर बता देता हूँ, एक नेवी ब्लू कलर का होता है एंड सेकेंड मरून कलर का होता है और तीसरा जो है व्हाइट कलर का। ये तीन कलर के पासपोर्ट होते हैं और तीन टाइप के पासपोर्ट होते हैं इंडिया में, और तीनों का डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा और तीनों का नाम बताऊंगा। तो जो सबसे फर्स्ट पे आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट नॉर्मली किसी का भी मतलब बनता है जो नेवी ब्लू कलर का होता है, जैसे कि मेरा, आपका या फिर किसी का भी, इंडिया में कोई भी पर्सन हो या फिर इंडिया से अगर आपको बाहर जाना है तो आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट बनेगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट पर काम करते हो या फिर आप मिडिल क्लास से हो या फिर आप अमीर हो या फिर आप गरीब हो, अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट बनेगा। तो ये फर्स्ट टाइप का पासपोर्ट हो गया जो नेवी ब्लू कलर का आता है, और जो सेकेंड है वो है मरून कलर का आता है भाई, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसका बनता है, जैसे कि आपको पता होगा जो लोग टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे सरकारी नौकरी है उनकी और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और टॉप रैंकिंग पोस्ट पर है। ऐसा नहीं कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो और आपकी पोस्ट काफी नीचे है तो आपका जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं बनेगा, मतलब बनेगा, आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये उनका ही बनेगा जो टॉप रैंकिंग पोस्ट पर है, काफी अच्छी खासे पोस्ट पर है वो भी गवर्नमेंट में, तब जाकर उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के पासपोर्ट के। तो जो तीसरा टाइप का पासपोर्ट है वो है भाई व्हाइट पासपोर्ट, जो व्हाइट कलर का होता है पासपोर्ट, और उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। तो ये नाम से आपको लगता है भाई ऑफिशियल पासपोर्ट, और ये पासपोर्ट किसका बनता है भाई, ये पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो इंडिया से बाहर, इंडिया की मतलब इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी काम हो या फिर ऑफिशियल काम हो। तो कभी कभी होता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मीटिंग के लिए फॉरेन जाता है और वहां पर जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को वहां पर प्रेजेंट करता है, चाहे किसी कंपनी का काम हो या फिर कोई भी कंडीशन में या किसी से बात करना हो, किसी भी मीटिंग के लिए जा रहा हो, फॉरेन जा रहा हो, और वहां पर वो बंदा जो है इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका जो व्हाइट कलर का पासपोर्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। तो भाई पासपोर्ट तीन टाइप के होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। हालांकि ये वीडियो काफी छोटी है क्योंकि यहाँ पर बस मुझे आपको बताना था कि पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, मतलब जनरली भाई ये किसी को पता नहीं रहता है और कुछ ही लोगों को ये बात पता रहता है और एक दो कमेंट्स भी मेरे वीडियो में आए थे, दैट्स व्हाई मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि पासपोर्ट तीन टाइप के होते हैं, पहला ऑर्डिनरी पासपोर्ट एंड सेकेंड जो होता है वो हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, और तीसरा जो है हमारा ऑफिशियल पासपोर्ट। और तीनों का कलर भी मैंने आपको बता दिया, पहला जो है वो है नेवी ब्लू, दूसरा मरून एंड तीसरा जो है अपना ये व्हाइट कलर का। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल सके भाई पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।